हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम और आप चाहे कहीं भी रहते हो, ग्रोसरी तो खरीदनी होती है। लेकिन अगर आप नए कंट्री में आते हो तो किस स्टोर में जाया जाए जहां पर जो चीज़ें हम खाते हैं वो सारी एक जगह पर हो और सही प्राइस में भी हो, तो हमको अलग अलग जगह जाना ना पड़े। अब चल रहे हैं हम लोग वॉलमार्ट और अंदर चलकर देखेंगे कैसे हम अपना मनी सेव कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पे कौन कौन सी डील है। जैसे वॉलमार्ट में अंदर एंटर हुए तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं और लिखा हुआ है रोल बैक, इसका मतलब इन चीज़ों पर टेम्प्रेरी प्राइस रिडक्शन है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये लगाया हुआ है शुगर $1.77 का, तो कुछ टाइम के लिए प्राइस कम रहेगा, फिर बढ़ जाता है, नॉर्मल प्राइस पे आ जाता है। तो हमारे पास अगर जो चीज़ें एक्स्ट्रा भी हम लेना चाहते हैं तो एक आध चीज़ को लेकर रख सकते हैं जो हमारी डेली यूज़ के आइटम्स हैं। इन टैग्स के ऊपर देखिए एक्चुअल प्राइस भी उन्होंने कॉर्नर में वाइट में लिखा हुआ है और ये जो है वो रिड्यूस प्राइस है। अगर बहुत डिफरेंस है, जैसे वो $24 समथिंग का है और 1677 में मिल रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा भी लेके रख लेते हैं। जैसे ये लिक्विड डिश सोप है जो हमारे डेली यूज़ में काम आता है, तो हम इसको एक्स्ट्रा भी लेके रख सकते हैं क्योंकि इस टाइम ये रोल बैक में है, बाद में एक्चुअल प्राइस इसका बढ़ जाएगा। इसका एक्चुअल प्राइस था 547 और अभी ये मिल रहा है 397 में कॉफ़ी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी रख लो तो कॉफ़ी आपकी कभी ख़राब नहीं होती। रोल बैक से आइटम्स लेने के बाद आपको खुद ही मालूम होगा कि आपकी ग्रॉसरी जो आपने $1, $2 या $3 जो बचाया, उसमें एंड में आपने ऑलमोस्ट $50 आपने बचा लिए। इन छोटी छोटी टिप्स से आपकी जो ग्रोसरी का बजट होता है वो काफ़ी सही रहता है और इससे मालूम होता है कि हम किस तरह से शॉपिंग करें। दही लगाया हुआ इन्होंने 750 grams $2.47 का और ये पनीर है यहाँ पे $4.67 का। इन प्राइसेस से आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर कितने की मिलती है। ये सारी आइसक्रीम्स रोल बैक में लगी हुई हैं जो कि प्राइस रिड्यूस होकर $1 or $2 आप इसमें सेव कर रहे हो। आपको जो आइसक्रीम लेनी है अभी से आप लेकर रख सकते हो। आपको 12 एग्स मिलते हैं $3.27 के और आपको थोड़ा सेव करना है तो आप 18 वाला भी ले लो क्योंकि एग्स तो काम आते रहते हैं। पार्टली स्किन मिल्क 2 liters का आपको मिलता है $4.77 का। अगर आप अकेले हो अगर तो आप बेटर ये है कि आप ये बाय करो, और अगर फैमिली में 4 members हैं तो बेटर ये है कि आप बड़ा वाला पैक बाय करो जो कि 4 liters का होता है, उसका प्राइस जो है $5.39 होता है। और एक्सपायरी भी चेक कर लो, अगर लंबा चलने वाला है तो आप 4 liters बाय करो, उसमें काफ़ी सेविंग है। फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ठीक रहती हैं, कुछ तो जो है वो कटी हुई सब्ज़ियाँ भी आती हैं तो आपको ईजी भी रहता है कुक करना, आपको इतना ज़्यादा काटने में टाइम नहीं ख़राब होता। आपको जितना चाहिए आप निकाल के कुक कर लो और दोबारा उसको फ्रीज कर दो, इस तरह आपकी वेजिटेबल्स वेस्ट भी नहीं होती और आप इनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो और इनके प्राइसेस भी बहुत सही होते हैं। एक आइल के ऊपर देखिए ये लिखा हुआ इंटरनेशनल इंडियन, तो इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि इसमें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर दिख रहा है नेशनल का चिकन बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, एवरेस्ट के मसाले हैं, शान के मसाले हैं और टाटा के हैं। तो जो भी अगर रेडीमेड चाहिए तो वो भी है और साथ साथ जो हमारे गरम मसाले होते हैं वो सारे हैं। हल्दीराम की नमकीन चाहिए तो वो मिलती है और साथ साथ अगर आपको कनाडा के अंदर नमकीन जो बनती है तो वो भी यहाँ मिलेगी। अमचूर पाउडर यहाँ पे मिल रहा है $1.97 का और साथ साथ अनारदाना पाउडर भी सेम प्राइस का है। ये प्राइसेस पढ़ने से हमको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर जो मसाले हैं उनका क्या प्राइस होता है और साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से मसाले मिलते हैं। वॉलमार्ट, नो फ्रिल या फ्रेशको में अगर हम जाते हैं तो हमें जो इंडियन ग्रोसरी है वो भी मिल जाती है और साथ साथ दूसरी भी, और प्राइसेस भी सही होते हैं, तो हमको बार बार अलग अलग स्टोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है।
मिलता तो यहाँ सब कुछ है, आपको हर तरह का अचार मिलेगा, जो भी आपको पसंद है वो ले लें। और साथ साथ देखिए, अब इन्हीं स्टोर्स में और इन आइल्स में आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिलता है, जो इजी रहता है आपको यूज़ करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अलग से सेपरेटली बाय करने की ज़रूरत नहीं, आप ये बॉटल ले लें और यूज़ कर सकते हैं, असली घी मिलता है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए जो हम घर में खाना बनाते हैं तो एक अपनापन आता है और खाने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे रखी हुई है सारी हमारी दालें और उनके प्राइसेस। कुछ पैकेट ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो हमें सोच के लेना है कि कितने टाइम तक हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे रखे होते हैं अलग अलग तरह के आटे, शेर आटा, आशीर्वाद आटा, गोल्डन टेम्पल। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आशीर्वाद या शेर आटा लेते हैं और कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है गोल्डन टेम्पल। यहाँ तो ब्रेड बहुत तरह की मिलती है, आपको मल्टीग्रेन ले लो, आप ब्राउन ब्रेड ले लो, आपको अलग अलग कंट्री के टेस्ट की मिलेगी, अलग अलग साइजेस की मिलेगी। तो अगर रोटी बनाने का टाइम नहीं है, मन नहीं है, तो ब्रेड हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स लगाते हैं। अब लेते हैं थोड़ी सी सब्जियाँ और फ्रूट्स। मैंने आपको बहुत सारा रोल पैक और डील्स के बारे में बता दिया, अब आप खुद चूज़ करिए कि कौन सी आपको वेजिटेबल लेनी है आज। इस बार नान और रोटी भी रोल पैक पर है। हर वीक हमारे और आपके लिए भी ग्रोसरी शॉपिंग एक चैलेंज होता है कि हम हेल्दी फूड पिक करें, मज़ेदार खाना बनाएं और साथ साथ बजट का ख्याल रखें। अगर आप भी मुझे कुछ टिप्स देना चाहते हैं ग्रोसरी शॉपिंग की, तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा और आपका ये प्यार भरा सफ़र यूं ही चलता रहे। आप हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बाय।